नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने कल देर रात को इस्तीफा दिया और आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव के साथ बीमा भारती दिख रही हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि बीमा भारती पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, तो ये कैसे होगा? क्योंकि पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम कर चुके हैं, अब कांग्रेस में भी अपनी पार्टी का विलय करा दिया है, अब ये कांग्रेस के नेता हैं और संभावित उम्मीदवार हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव ही चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पर, ये बात भी तय है। तो फिर महागठबंधन में क्या राड़ छिड़ी हुई है? क्या आरजेडी और कांग्रेस की बातें नहीं बन पा रही हैं? देखना होगा, अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। अब ऐसे में पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के नेता हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊँगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, ये बात भी वो कह रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट भी किया था, लेकिन आज हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की है। वो फिलहाल दिल्ली में है, अभी होली का त्यौहार है, आप सभी को होली की बधाई शुभकामनाएं लाइव स्ट्रीम की ओर से। लेकिन बीमा भारती और पप्पू यादव की जो खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि देर रात को बीमा भारती ने इस्तीफा दिया, ये बात भी तय है कि बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी, आरजेडी उन्हें चुनाव लड़ना चाहती है, तो पप्पू यादव कैसे पूर्णिया छोड़ेंगे? उस रात पप्पू यादव जब लालू प्रसाद से मिलने गए थे, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे, जब लालू यादव से मिलने गए थे, तेजस्वी यादव से मिलने गए थे, तो क्या क्या बातें हुई थी? क्या पूर्णिया छोड़ने का इशारा उसी दिन लालू यादव ने दे दिया था पप्पू यादव को? पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, घुमाकर जवाब दे रहे हैं, जरा सुनिए। सर, हम आलोक बोल रहे हैं लाइव स्ट्रीम से। जी जी, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सर, सब ठीक है? दिल्ली में है? जी जी, सब सब आशीर्वाद है। जय होली मुबारकबाद हो भाई आप सबको, रमजान की भी। जी बहुत धन्यवाद सर, और खासतौर पर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को। जी मेरा प्रणाम कहिएगा पैर छू के सबको। जी सर, जी सर, पूर्णिया की बात हो रही है, आपने प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम किया, उसके बाद आपने कल पोस्ट लिखा है कि पूर्णिया के लिए ही जिएंगे, पूर्णिया से बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह से जो आपने पोस्ट लिखा है, इसके मायने क्या है? आप मतलब पूर्णिया में ही रहना चाहते हैं, वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, दो बात समझिए। जी, मैं इस पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो परिवार का रिश्ता है, हमारा जो जन्म है, हमको जो हमारी कर्म भूमि, हमारी मिट्टी, हमारा खून, हमारी माँ, वो है कोसी सीमांचल पूर्णिया, मेरी जिंदगी है। मैंने कई बार ने एक लाख बार कहा है कि माय लाइफ लाइन। पूर्णिया से मर के भी मार के भी हमको कोई अलग नहीं कर सकता। मुझको नहीं पता कि कौन क्या कर रहे हैं। जी, मैंने पहले भी यह बात, जब लालू जी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने उनसे मिल के कहा था, यदि वो माथे पर हाथ रख के कसम खाए, मैंने उनको कह दिया था उस रात में कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। आपने कह दिया था उसी दिन? कह दिया था मैंने, मैं पूर्णिया से लड़ूंगा। जी, लालू जी दिल पर कहे, मैंने कहा कि आप मधेपुरा से सुपौल से जिनको लड़ाएंगे, मैं पूरी ताकत के साथ मदद करूंगा। तो क्या वो मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मैंने ये भी मैंने उनको कहा था कि आप जिनको दें, लोकल नहीं दें, बाहर से दें, जिनको दें मैं मदद करूंगा। लेकिन मुझे ठीक है, वो पिता की तरह है, परिवार है, उनका अपना तरीका है, वो 90 के दशक से आज भी नहीं निकलते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रहे करें। लेकिन अब आप जब हम आए और प्रियंका जी ने जब हमें इस बात को कह दी, और कांग्रेस परिवार पहले से इच्छा थी और मैडम कांग्रेस में थे, मेरा बेटा सोनिया जी और राहुल गांधी को बहुत ज्यादा एडमायर करता, मेरी बेटी भी रंजीत जी को बेटी की तरह मानती है, सोनिया जी हमें बेटे की तरह, उन पर एक ट्रस्ट है, हमारा आधा परिवार कांग्रेस में, और प्रियंका जी जब इतना बड़ा ट्रस्ट और हमारे साथ उन्होंने हम बात कह दी, तो उसके बाद मेरे लिए कुछ भी एक्सक्यूज नहीं बचता था। हमने इनसे कहा था कि सुबह हम संजय जी को 100 बार फोन करते रह गए, उनका फोन नहीं लगा। इन्होंने कहा सुबह हम मैसेज करेंगे, सुबह 12 बजे तक इनका कोई मैसेज नहीं आया, फिर प्रियंका जी का फोन आ गया। तो इतने मजबूत और इतने
निर्णय लेने के बाद हम एक ही परिवार बने, गठबंधन का क्या मतलब। कांग्रेस परिवार लालू जी के लिए भी कांग्रेस परिवार, सोनिया जी हमेशा उस परिवार के लिए कांग्रेस ने सैक्रिफाइस किया है। नहीं तो क्या लालू जी चाहते थे कि आप मधेपुरा या सुपौल से लड़े, ये बात सच है? हाँ, लालू जी ने खुद कहा कि आप मधेपुरा से क्यों नहीं, अलग क्यों नहीं जी। और उनकी इच्छा थी कि हम दल ज्वाइन कर लें, आरजेडी। आरजेडी जी। तो पहले ही ये बात पहले से कभी भी नहीं, फिर सुबह फोन नहीं आया। पहले ही जब कांग्रेस परिवार की इच्छा थी और मैडम रंजीत रंजन जी कांग्रेस में थी, मेरे लिए गंभीर विचारणीय विषय था। ठीक है, कहीं ना कहीं माँ और मासी, घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरी तो घी में। इसके बावजूद यदि आप एक बच्चे से, बेटे से, यदि क्या दिक्कत है, मधेपुरा में आप 20 साल लग इतने दिन राजनीति किए, मधेपुरा में सुपौल में आपके पास एक अच्छा उम्मीदवार क्यों नहीं है? आप करिए, आप कराइए, हम आपको लगता है कि हम आपके लिए खाद नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने तो आपसे एक ही अपेक्षा की, पूर्णिया। पूर्णिया से हम अलग नहीं होंगे, पूर्णिया के खून से। पूर्णिया में मेरे लिए न कोई कास्ट है, न मेरे लिए वोट है, मेरे लिए पूर्णिया में मेरा परिवार है, मेरा खून है, मेरा घर है, मेरे रिश्ते हैं। मैं रिश्ते, खून, परिवार से अलग होके नहीं जी सकता हूँ। मैं छोड़ दूं राजनीति, न करूं। और जिन को उन्होंने लाया भैया, उस परिवार को मैंने हमेशा पिता की तरह, उस हस्बैंड को, जब भी वो संकट में रही, जिस परिस्थिति में रही, भैया ये इन लोगों पे तो ये ना आरोप है कि इन लोगों, ईडी ने इन लोगों पर आरोप लगाया, इन लोगों ने, जदयू ने, अन लोगों ने, कि ये लोग मेरे दल को पैसे से खरीद रहे थे, ये खरीद रहे थे, वैसा खरीद रहे थे जी। अब तो जांच में हर संकट में, जब परिवार, इनके बच्चे मरे तो सबसे पहले गए, जब भी ये चेयरमैन का चुनाव लड़े तो हम बाप के तरह उस बच्ची के लिए खड़े हुए। इस बार भी हम सबको छोड़ करके इनके लिए खड़े हुए। मैं इनसे आग्रह किया उस दिन भी कि हमको पता चल रहा है कि आपको इस लालू जी कंधे पर बंदूक रखना चाहेंगे, मैं आपका पिता की तरह हूँ, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाइएगा जिससे एक परिवार, दो परिवार बिखरे। मतलब ये दोनों परिवार, बीमा भारती को कहा था, बीमा जी से मैंने कहा दो परिवार को ये लड़ाना चाहेंगे जी। आप दोनों में से यदि हम कहीं, हम पूर्णिया ही लड़ेंगे, हम पूर्णिया से कहीं अलग नहीं जाएंगे। तो बीमा भारती से आपकी बात हुई थी पहले बीच में, जब उन्होंने कहा था कि हाँ मैं पूर्णिया लड़ूंगी, उन्होंने कहा था? नहीं नहीं, वो ये सब चीज नहीं कहा था, वो सबको कहता रहा कि हम सवाल, हम इस दल में हैं। पहले भी आप इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए जी जी, सब जगह कि मैं इस दल में हूँ, जनता दल में हूँ मैं, ये हमें कहेंगे तो लड़ेंगे। तो इनकी अपनी व्यक्तिगत पार्टी में लड़ाई, इनका चीज, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, ना इनसे हमको कोई मतलब। लालू जी कांग्रेस गठबंधन धर्म तो लालू जी को रहता है करना, भैया निखिल बाबू या अवधेश सिंह जी या कांग्रेस की वो परंपरागत वोट है। कांग्रेस हर कीमत पर एक राजपूत समाज को टिकट देगी ही, ब्राह्मण समाज को देगी ही, भूमिहार समाज को देगी ही, ओबीसी राहुल जी का है वो देंगे ही। तो कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है वाल्मीकि नगर या अन्य जगह, वो 20,000 वोट से अलग किए कैसे छोड़ देगा, आप हमको बता दीजिए ना। किसी भी परिस्थिति में वो नहीं छोड़ सकता, मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। तो आप सबको अभी करेंगे, आप कहेंगे तारिक साहब का टिकट हम, आप, आपके दल का टिकट आप तय करते हैं, कभी आप अखिलेश बाबू को धमकी देते हैं, कभी कहते हैं 4,000 नेशनल पार्टी है। तो भैया रियल में नेशनल पार्टी है, कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है, दुनिया उसको देखती है। तो मेरे लिए वो सवाल नहीं है। लालू जी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े पिता भी हैं सब। लालू जी को से मैं हृदय से आग्रह करूंगा कि गठबंधन को रहने दिया जाए,
हाथ जोड़ता हूं पैर कि गठबंधन नहीं तोड़ा जाए, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को जिंदा रहने दिया जाए, कांग्रेस हमेशा आपके लिए सैक्रिफाइस की है। लेकिन इस बार तो बीमा भारती को लाकर के तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी ना, वो तो चाहती है कि वो पूर्णिया से चुनाव। नहीं देखिए, मैं अपने वो मेरे भाई हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा मेरे लिए मुसीबत। मैं जनता से हूँ, जनता भगवान हूँ, जनता तय करती है। कोई पटना दिल्ली में बैठ करके तय नहीं कर सकता किसी के भाग, कोई विधाता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा मेरा भाग विधाता पूर्णिया की जनता है, और नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत सोच करके अपनी लाइफ एक परिवार के साथ, हमें इस परिवार से जो विश्वास मिला वो विश्वास मेरे लिए काफी है। हम इस परिवार और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमको अपने आप को सर्वस्व त्यागना होगा, हम खत्म करेंगे। हमारी राजनीतिक नहीं, हमारी पारिवारिक विरासत है सीमांचल, कोसी, पूर्णिया, मधेपुरा, सिंहेश्वर, और हमारी विरासत को जनता तय करेगी, कोई और तय नहीं करेगा। इसीलिए इस जन्म में क्या, सात जन्म में भी पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया की जनता को तय करना है, वो यदि कहेगी छोड़ देने तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मंजूर है, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद बाबू जी हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नमस्ते। पप्पू यादव ने हमसे खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बातें रखी आपने सुना है, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया की जनता तय करेगी, पटना में और दिल्ली में बैठ कर कोई किसी के किस्मत का फैसला नहीं ले सकता है, और बीमा भारती से भी उनकी बातें हुई थी, क्या कुछ बातें हुई थी, लालू प्रसाद से क्या कुछ कहा था पप्पू यादव ने, सभी बातें बताई हैं आपने सुना है इस ऑडियो इंटरव्यू में। पप्पू यादव से हमने खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है फोन पर आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।